प्रतिनित्य आप थोड़ी थोड़ी देर बैठ जाओ दस पंद्रह बीस मिनट बैठ के मुझे कुछ नहीं चाहिए और ईश्वर छासनी है मैं रसगुल्ला हूं मैं मधुर हूं मेरा मन मधुर है मेरा शरीर मन तन मन सब कुछ मधुर था मैं पूरी तरह से ओत प्रोत है यही समझ के बैठोगे तो काम हो जाता है ध्यान लगने लग जाता है फिर ये सोचो कि कोई भी मंत्र आप जो पढ़ते हो ओम नमः शिवाय ओम नमो नारायण जय माँ दुर्गे या अपना ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते गायत्री मंत्र पढ़ते कोई भी मंत्र पढ़ते तो इस मंत्र का तरंगों को हमें मैं अनुभव करना चाहिए मंत्र क्या है सिर्फ तरंग है वो अतार्किक है अतार्किक माने तर्क से परे है और वो सभी काम करते हैं हमारे जीवन में काम नहीं होता हमारा इसका अर्थ है कहीं मंत्र से मंत्र नहीं किया हमने मंत्र शक्ति को हमने माना नहीं जाना नहीं थोड़ी देर बैठ के आप ओम नमः शिवाय बोलो दस मिनट अब ओम नमो नारायणा बोल दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय कोई भी मंत्र बोलेंगे दस मिनट गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे सुनेंगे तो इससे बहुत लाभ होता है आजकल दुनिया में अलग अलग देशों में भी कीर्तन का बड़ा महत्व लोगों ने रिकोगनाइज किया पहचाना है आप देखेंगे आप न्यूयॉर्क में अमेरिका में न्यूयॉर्क कई जगह है वहां सिर्फ शाम को कीर्तन सिखाते और गाते हैं लोग विदेशी लोग बैठ के वहाँ कीर्तन करते हैं हम थोड़ा शर्माते हैं कीर्तन वगैरह करते नहीं हमें भी करना चाहिए जब यहाँ भजन होता है ऐसे बैठ के देखो मत आप भी साथ में गाओ कोई चिंता नहीं सुरो सुर और बेसुर कोई भी सब चलेगा क्या सुन रहे हो इतना करोगे तो आप खुद दीप बन जाओगे भगवान बुद्ध ने ही कहा अप दीपो बाबा तुम बत्ती और तेल को लगा के दिया जलाते हो वो तो ठीक है बाहर का रोशनी आता है मगर तुम्हारे जीवन में रोशनी आना हो तुम्हारे भीतर रोशनी जगना तुम खुद दिया बन गए हो ये समझो तुम खुद दिया बन जाओ जो भी तुम्हारे आसपास आए उन सबको रोशनी मिले किसी को अंधकार ना मिले सबको रोशनी मिले तुम्हारे पास जो भी आते हैं ये भगवान बुद्ध ने भी बोला